एक बार सिलेबस का डिस्कशन ले लेते हैं हम लोग। लास्ट ईयर क्या हुआ था? वेटेज ये था आपका, फिक्स नहीं है किसी सब्जेक्ट का वेटेज। बात क्लियर हो रही है? मैं ये कह रहा हूं किसी सब्जेक्ट का फिक्स वेटेज नहीं है, वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। सिलेबस आप मेरे साथ साथ लिख लो। सिलेबस में जो पहला टॉपिक है वो तो नंबर सिस्टम है, बट वो सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं। सिलेबस का पहला टॉपिक क्या है वो सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं। बेसिक्स ऑफ बूलियन एलजेब्रा लिखा हुआ है। बेसिक्स ऑफ व्हाट? बूलियन एलजेब्रा। उसके बाद आपके सिलेबस पे हर चीज प्रॉपरली मेंशन नहीं लिखा हुआ है। के मैप है, फिर कॉम्बिनेशनल है। कॉम्बिनेशनल सर्किट हम मेंशन कर सकते हैं, मैं सर्किट को सीकेटे लिखूंगा। सर्किट को मैं शॉर्टकट में सीकेटे लिखूंगा। लास्ट जो टॉपिक है वो सीक्वेंशियल है, सीक्वेंशियल सर्किट। जितना छोटा आपका सिलेबस है ना डिस्की का, उतना ही ज्यादा टाइम टेकिंग है। समझ में आ गया? और भी सिलेबस है, अगर हम एज इट इज प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेकर एज इट इज फिगर आउट करते करते अगर हम सिलेबस मेंशन करेंगे ना, तो पूरा बोर्ड भर जाएगा हर जगह पे। प्लस लास्ट में फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आप सिद्धार्थ सर से पढ़िएगा। बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप मुझे सेपरेटली नहीं कहेंगे कि आप करवाइए सर, ऑनलाइन वालों को मैं कह रहा हूं। ऑफलाइन वाले तो डायरेक्टली वन टू वन बात कर सकते हैं हम लोग, राइट? अगर मैं पीवाईक्यू यूज करूंगा ना, तो समझ जाना सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। समझ में आया? तो चाहो तो एक बार फुल फॉर्म लिख लो कॉपी में। एक बार तो चलता ही है फुल फॉर्म लिखना। पीवाईक्यू का फुल फॉर्म लिख लो ना एक बार। नहीं लिखना है? ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप लिखने पे मजबूर कर दूंगा मैं। नहीं लिखना है? मत लिखो। अब लिखोगे? इसलिए पीवाईक्यू का फुल फॉर्म लिखो। जब कोई पहली बार कोई वर्ड आता है ना हमारी लाइफ में, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी चाहिए। PYQ लिख लो फुल फॉर्म, तभी मैं TYU का फुल फॉर्म बताऊंगा। और पता है वो बुक का वर्ड है, कोई टीचर आपको बता नहीं पाएगा कि TYQU सच में बुक में प्रेजेंट है या शॉर्टकट तरीके से दिया गया नाम है। एनीवन? टेस्ट योर या यूअर अंडरस्टैंडिंग है वो, और वो बुक में यूज किया हुआ है, मैं नहीं यूज कर रहा हूं। क्या है फुल फॉर्म इसका? तो अगर मैं TYQ लिखूंगा तो समझ जाना। हो गया इतना? ठीक है। देखो गेट एग्जाम्स में इन जनरल वे ऑफ आस्किंग क्या है उसको भी देख लो आप। देखो ये बूलियन एलजेब्रा में आप के मैप को इंक्लूड कर सकते हो। सीएस डिपार्टमेंट में के मैप एक फिक्स क्वेश्चन में से एक है। उन लोगों ने फ्रीक्वेंटली हर साल के मैप का न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, या उसका एप्लीकेशन पूछे गए। कॉलेज में भी होगा आपको, कॉलेज में है ना? तो जिन्होंने डिस्कल नहीं पढ़ा उनकी बात अलग है। कॉम्बिनेशनल जानते हो? जिन्होंने कॉलेज में पढ़ा है उनको पता होगा कॉम्बिनेशनल में क्या क्या टॉपिक पढ़ते हैं हम। नहीं?
ये लिखना हुआ क्या बोर्ड का? मैं आपको लिखने के लिए पूरे सिलेबस में सेपरेटली टाइम दूंगा, और समझाने के लिए अलग, और इल्स अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग। ये मेरा फॉर्मेट है, मैं हर बार ऐसे ही पढ़ा रहा हूं। हो गया, आगे चले, लिखना हो गया। ठीक है, देखो हमने सिर्फ कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, बट उनके अंदर लाइक इस टॉपिक के अंदर क्या क्या सब टॉपिक प्रेजेंट है उसको देख लो एक बार। एडर, एडर ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, विथ प्रोपोगेशन डिले कह रहा हूं मैं। एडर पढ़ना है किसके साथ? पहले बोर्ड पे देख लीजिए बेटा, सेपरेटली टाइम दूंगा लिखने के लिए। एडर विथ प्रोपोगेशन कहिए तो सही, लिखा है ना, वो तो बता सकते हो आप। सेकंड क्या बताओ? सब्ट्रैक्टर, प्रोपोगेशन डिले के साथ वो देख लेंगे हम। थर्ड वन, मैं कंप्लीट नाम नहीं लिख रहा हूं, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एक्चुअली पेयर वाइज है वो। फोर्थ वन, नाम जानते हो ना, एनकोडर, डीकोडर। एक बार आईआईटी चेन्नई में 2 बिट मल्टीप्लायर आया हुआ है, समझ में आया? एक ही बार वो क्वेश्चन है, उसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, मल्टीप्लायर सर्किट। टू बिट पूछा है ना उन्होंने, हम 3 बिट या 4 बिट तक देख लेंगे। बात क्लियर हुआ? ठीक है, रिपल कैरी एडर, और पूरा नहीं फुल फॉर्म लिख रहा हूं मैं, इसलिए शॉर्टकट लिख दे रहा हूं, सीएलए एडर है वो, कैरी लुक एहेड एडर, या कैरी प्रिडिक्टर भी बोलते हैं हम। लिखने का टाइम दूंगा, डोंट वरी। कैरी प्रिडिक्टर वो भी है, लाइक वो छोटे छोटे टॉपिक्स है, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर, और ग्रे टू बाइनरी, GRAY। हो गया इतना? इस टॉपिक को पढ़ने में काफी ज्यादा टाइम जाएगा हमारा, आप ये मेंशन कर लो कॉपी पे। सिलेबस का आइडिया देना जरूरी है, और ना आपका जो टॉपिक है ना वो बहुत स्मूथली चलेगा। अगर आपको क्लासेस स्लो लगे ना, तो सीक्वेंशियल तक का पेशेंस लेवल चाहिए मुझे। अगर आपको कभी कभी बीच में ऐसा ख्याल आया कि यार सर बड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, ये स्टेटमेंट ऑनलाइन में भी है और ऑफलाइन में भी, क्योंकि क्लासेस हाइब्रिड मोड में चल रही है, इसलिए मुझे स्टार्टिंग में कुछ बातों को कहना पड़ेगा एम्फेसाइज करके, कि ऑनलाइन वालों के लिए भी है और ऑफलाइन वालों के लिए भी। तो अगर कभी लगेगा ना टॉपिक स्लो चल रहा है, तो अपने सीनियर से एक बार बात कर लीजिएगा। सीक्वेंशियल में और स्लो करूंगा मैं, क्योंकि टॉपिक का फिर डेप्थ थोड़ी डिफरेंट लेवल पे होगा, और ये पहला साल होगा जिस समय सबसे लंबी क्लासेस चलेगी डिसल की। नंबर ऑफ डेज को काउंट कर लो, या नंबर ऑफ आवर्स को भी काउंट कर लो। और मेरे को ना नोट्स थोड़ा प्रॉपर चाहिए होगा, कोई भी स्टूडेंट ऐसे रफ नोट्स नहीं बनाएगा, खास करके लड़के। हाँ अच्छा बनाते हो, एक्सेप्शन तो सब में होता है। मर्क्यूरी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर पढ़ा था मैंने। नोट्स मुझे प्रॉपर चाहिए, फुल फॉर्म अगर कभी नहीं लिखाऊंगा तो आने वाले टॉपिक पे लिखा दूंगा मैं। सीएलए एडर और कैरी प्रिडिक्टर है वो, न्यूमरिकल भी करना है हर टॉपिक से। आपको सेपरेटली नहीं कहना पड़ेगा मेरे को कि सर आप न्यूमरिकल करा दो। सिलेबस खत्म होने से पहले हर टॉपिक का 2 से लेकर 3 न्यूमरिकल होगा, जो एग्जाम में नहीं आए हैं। एग्जाम में जो आए हैं वो सेपरेटली कराऊंगा मैं।
कुछ न्यूमेरिकल्स बुक के होंगे, कुछ मेरे पर्सनल क्वेश्चंस होंगे, मतलब वो जो मैंने अलग अलग बुक से एक्सप्लोर किया हुआ है। और फर्स्ट सेकंड क्लासेस में या स्टार्ट या इन बिटवीन क्लास में आप रेफरेंसेस बुक का नाम मेरे से पूछते हैं, है ना, कि बुक फॉलो नहीं करोगे आप। अगर कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाला स्टूडेंट है तब मैं कहूंगा बुक फॉलो कर लो, अगर कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट है बुक नहीं फॉलो करना पड़ेगा, मैं इतना सफिशियंट पढ़ा चुका रहूंगा। बट पॉइंट ये है कि दुनिया में कोई टीचर नहीं जिसका नॉलेज बुक से ज्यादा है, क्योंकि दुनिया में एक बुक थोड़ी ना अवेलेबल है, बात तो समझ रहे हो, दुनिया में एक ही बुक अवेलेबल है क्या डिस्टिल की? नहीं। अगर कभी ऐसा लगता है कि सर मेरा डिस्टिल पूरा कंप्लीट हो गया है, नाउ मेरे को और लग रहा है अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करना है, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, अगर हार्ड कॉपी परचेज कर सकते हो तो कर लीजिएगा। दोनों बुक में एक खास बात है, दोनों का सीक्वेंशियल खराब है, दोनों में कॉमन, दोनों में क्या, आनंद कुमार की अगर आप बात करोगे, क्योंकि हमारे हमारे स्टेट में तो आनंद कुमार का भी डिस्कशन चलता है ना, नहीं, एक और है डिस्की का, एक और बुक फ्लॉयड जो बुक है वो तो दिल्ली में चलता है, तीनों बुक में सीक्वेंशियल सही से नहीं दिया हुआ है। बाकी सारे टॉपिक अगर आप इफ इन केस जाने अनजाने से मिस भी कर देते हो, मोर और लेस इंडिया में सारे टीचर्स उस टॉपिक को लगभग सेम पढ़ाएंगे। जजमेंट कहां पे होगा पता आपका, कि कौन टीचर कैसे पढ़ा रहा है? अगर जज करना है इफ इन केस किसी भी को, मुझे ही क्या, आप कह सकते हो यहां पे जज कीजिएगा, उससे पहले तो मोर और लेस सारा टीचर इंडिया का वही पढ़ा रहा है। हो गया इतना, सीक्वेंशियल में जज कर लेना आप। और मैं एडवाइस ये करूंगा, जैसे कि मैं मल्टीपल कलर पेन यूज कर रहा हूं, आप भी एटलीस्ट ब्लैक ब्लू और रेड प्रेफर करो, ठीक है? फर्स्ट डे मैं अपनी सारी एक्सपेक्टेशन को इम्पोज नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं तो पेंसिल भी बोलता हूं कि आप पेंसिल भी लेके आइए करके, सही है इतना? रेफरेंसेस बुक लिख लिया, अरे बताओ ना। हाँ एक और है, सबसे टफ टॉपिक क्या है इसका और सबसे इजी टॉपिक क्या है? ना कोई इजी है ना कोई टफ है, पहली बात तो बीइंग अ टीचर मुझे ऐसा कहना चाहिए, लेकिन अगर मैं अपना स्टूडेंट लाइफ याद करूं तो स्टूडेंट लाइफ याद करो, इवन टीचिंग प्रोफेशन भी याद करोगे ना, अगर आप किसी टीचर के बारे में हम कॉमनली बात करें, दूसरों के बारे में हम क्यों बात करें, मैं अपनी ही बात कर देता हूं, सबको, जैसे मैं भी अर्ली फेज में था ना टीचिंग के, तो मुझे सीक्वेंशियल बड़ा टफ लगता था, और मुझे लगता था कि यह टफ टॉपिक है तो किसी भी टीचर को ज्यादा टाइम देना चाहिए, जो मैं अपनी बात है वो बता रहा हूं मैं आपको। डिजिटल का टेंटेटिव सिलेबस 50 घंटे का है, बीते दिनों में जब मैं क्लासेस लिया करता था तो वो 38 से लेकर 45 के आसपास गया है, तो मैंने पहले बता दिया था कि मैं इस बार सफिशियंट टाइम लेकर पढ़ाऊंगा, दिन भी ज्यादा होंगे और आवर्स जो सब्जेक्ट को हम डेडिकेट करते हैं वो भी ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? मैं हमेशा, आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, मेरी एक एक बात सही है, उनकी कॉपी में लिखा होगा अभी भी। मैं उनको कहता था कि मैं अप्रोक्सीमेटली 18 घंटे सीक्वेंशियल पढ़ाऊंगा, इस बार मैं 20+ आवर्स पढ़ाऊंगा सीक्वेंशियल को, बस जो लास्ट टॉपिक है वो एक टॉपिक खत्म होते होते तो आप खुद परेशान हो जाओगे, सर बस करो बहुत हो गया, मैं कहलवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? तो टेंटेटिव ड्यूरेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लिख लीजिएगा 50 आवर्स, ताकि आपको पता रहे टेंटेटिव ड्यूरेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, टेंटेटिव ड्यूरेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कितना कह रहा हूं मैं, सही है इतना? प्रीवियस पेपर भी मैं ही कराऊंगा, क्वेश्चंस मैं खुद ही करा दूंगा, सेपरेटली नहीं करने होंगे, अगर आपको सेपरेटली करना है तब आप टेस्ट सीरीज दो। हो गया इतना, मेरे को एक्सपीरियंस के बारे में मत बात करना, शायद ये 157th डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है, तो मैं अपने बारे में कभी और बताऊंगा, वैसे भी हम कहीं जा रहे हैं क्या, शायद ये कम है, लेकिन कम ही लिखना अच्छा है, बढ़ा के क्यों बताएं?
हो गया था, बस काफी है। हाँ वो जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ मैं। मेरे को शायद ना 20,500 घंटे हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो आप इमेजिन कर लो आप, शकल पे मत जाओ वो मासूम है, ठीक है। अब वो एक्सपीरियंस ना भूल जाइए आप, क्योंकि पता है फर्स्ट डे क्या होता है, जैसे मैं अपने आप को वहां रख के क्वेश्चन पूछ रहा हूं तभी ये सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई कर रहा हूं, ठीक है सर आप जब भी पढ़ाओगे जैसा भी पढ़ाओगे, लेकिन पॉइंट ये होता है कि हम फर्स्ट डे आप मतलब क्या वो रिकॉर्ड्स लेकर घर जाएंगे हम, ऐसा ना कि आपको कितना आता होगा टेंटेटिवली, बाकी तो सर ने पोस्ट लिख दिया था तो फिर वो भी बताना पड़ेगा आईटी, वो सब नहीं ना, वो सब दिखावा टाइप से लगता है। हो गया यार 12 साल पुरानी बात है, बार बार उसको क्यों लेके आए, आईआईटी आईआईटी रोते रहे हम लोग, हो गया ना भाई पास्ट है वो खत्म हो गया, अभी सीपीआई बता देता हूं पहले सेमेस्टर में 6 आया था, सोचो बड़ा मजा आ रहा है। सेकेंड सेमेस्टर में 7.5 आया था, तो एक्चुअली एसपीआई कहना चाहिए सेमेस्टर परफॉर्मेंस इंडेक्स, और ये क्यूमुलेटिव है, निकाल लो एवरेज बस छोड़ो इतना। बीटेक लाइफ में बीटेक या बीटेक ही ठीक है, बीआईटी से हूं मैं, वहां से बीटेक मत बोलना, दिल्ली में बताता हूं ना तो अच्छा बीटेक यहां से क्या, अरे नहीं उतना है, उतना नहीं था मेरे पास भाई नॉलेज या एक्सपोजर, एक्चुअली उस टाइम पे तो मैं गधा ही था ना, कहे जाना चाहिए। बीटेक कोई आईटी कानपुर से करेगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, तो टॉप 500 में रैंक आया होगा उसका, आपको देख के लग रहा है मेरे को कभी नहीं है सर, बीटेक तो हम यहीं से किए थे आपके स्टेट से, हाँ इसमें CPI 8 है, हो गया था, किसी भी कॉलेज से हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, पॉइंट ये है गेट एग्जाम होना चाहिए, क्लियर रहता, सिलेबस स्टार्ट करें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा ही है तो दिमाग में रखो, कभी लगेगा ना इसको नहीं आता करके, कभी ऐसा आता है यार, जैसे मैं अभी तो उधर बैठा करता था ना, अरे यार इससे बेहतर तो मैं ही पढ़ा दूंगा, इसलिए लिखा है, स्टार्ट करें फ्रेश पेज लो और हेडिंग लिखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, हेडिंग लिखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस डिपार्टमेंट वाले क्या कहते हैं इसको, डिजिटल डीएलडी, क्या कहते हो आप लोग इसको, डिजिटल लॉजिक डिजाइन, एक्चुअली ये बाईपार्ट है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स का, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपको कभी ये वर्ड दिखाई दे तो समझ जाना इसी की बात कर रहे हैं, स्विचिंग डिजिटल की कुछ बुक्स इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से आती है, उसमें डायरेक्टली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड वर्ड होता है, पहला जो वर्ड होता है स्टार्टिंग का दो वर्ड वो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, सही है इतना, ये इंटीग्रेटेड वाला वर्ड क्यों आया, आईसी की वजह से, लैब गए हो भाई, कुछ लोग तो लैब गए होंगे ना, ऐसे तो नहीं पॉसिबल है हमने लैब अब तक देखा ही नहीं, लैब में आईसी यूज किया वही है, नैंड की आईसी या फिर नॉर की आईसी ऐसा कुछ कहते हैं हम लोग, इंटीग्रेटेड सर्किट, मैं और भी तरीके से इंटीग्रेटेड वाले वर्ड को डिफाइन कर सकता हूं, कैपेसिटर
क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक में इंटीग्रेटेड फार्मिंग लिखा हुआ है, आप कहीं साइड में लिख लीजिएगा। इंटीग्रेटेड कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक में? एक वर्ड यूज किया हुआ है, बताओ जल्दी यार। बात कर सकते हैं ना आप लोग? नहीं? हाँ तो इंटरेक्शन तो जरूरी है ना, ऑफलाइन में तो कर सकते हो आप। क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक में इंटीग्रेटेड वाला एक वर्ड यूज किया हुआ है और उन्होंने इंटीग्रेटिंग फार्मिंग यूज किया हुआ है। समझा देता हूं मैं इसको। धान की खेती में पानी ज्यादा लगता है या गेहूं की? हाँ तो उसमें जो बहुत एक्सेस वाटर है ना, उसमें मछली पालन भी होता है। समझ में आया? एक फार्मिंग में मल्टीपल आउटपुट ले रहे हो आप, या एक स्पेस को मल्टीपल तरीके से यूज कर रहे हो आप, उनको कहा है उन्होंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग। समझ में आ गया? अरे नहीं हुआ क्या? अरे वीडियो देखा होगा, एनिमेशन देखा होगा। अब तो आप खेत थोड़ी विजिट करोगे। अब अब आज से अगर 20 साल पहले पैदा होते हैं या 30 साल पहले पैदा होते हैं, तो वो सारी चीजें ऑब्जर्वेशन में आती है आपके, क्योंकि खेत विजिट करते ही हम गांव तो जाते ही, अभी तो जाना बंद हो गया। तो यूट्यूब में देख लेना एक बार वीडियो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है। समझ में आया? तो वो जो वर्ड है ना, वो यहाँ पे यूज किया है, इंटीग्रेटेड। अगर हम कभी टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो, अगर हम कभी टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो क्या होगा? ऐसा नहीं होता इंटीग्रेशन का मतलब। सर टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करने वाले, इधर पे डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल क्या होगा? डीटी? ये नहीं है। एडवांसमेंट को क्या कहते हैं उन लोग? लिख लो ये वाला वर्ड, एडवांसमेंट। दैट मींस इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड। एडवांसमेंट का मतलब है इंटीग्रेटेड। एडवांसमेंट का क्या मतलब है बेटा? जैसे आप देखो ना, देखो मैं आपके है ना, आप लैपटॉप में बहुत ही कम यूज करता हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मेरे को कॉन्फ़िगरेशन का भी ऐसा आइडिया नहीं होता। ऐसे 5 6 साल पहले की बात अलग है। अभी जनरेशन बताओ कौन चल रहा है? i7। उसमें भी कोई कॉन्फ़िगरेशन है? आई गेस किसी के साथ फ्रीक्वेंसी वाली मैचिंग होती है। अभी जो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं वो कौन सा प्रोसेसर है? फोन का नहीं, लैपटॉप का या डेस्कटॉप का? i7 है ना, 7th जनरेशन है। वो जो जनरेशन जनरेशन बार बार जो ऐड कर रहे हो ना, वो भी एक काइंड ऑफ इंटीग्रेशन है। समझ में आया? इंटीग्रेटेड चिप है। तो आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इंटीग्रेटेड है। किसी ने वो नाम सुना हुआ है, ट्रांजिस्टर, डायोड, जेनर डायोड? कहां पे? फिजिक्स में। वाह, कौन सी क्लास में थे? 12th पास हो? कैसी बातें कर रहे हो सर, कोई बात नहीं। अभी जब मैथ्स आएगा ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो क्लियर हो जाएगा। अभी सब लोग 12th पास हो? एग्रीड? पक्का ना? कितना होता है ये? नाम क्या है? इसलिए बोला था 12th पास हो। तो बुरा लगता है कई बार, कोई टीचर ऐसे कैसे कह दिया? डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ है उसका नाम, सेट थ्योरी है। 11वीं चैप्टर, 11वीं क्लास का पहला चैप्टर मैथ्स का क्या है? सेट थ्योरी। वेन डायग्राम पढ़ के आओगे? मैं पढ़ाऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन वो जो 11th क्लास में जो वेन डायग्राम है ना, जॉन वेन नाम था आई गेस, इंग्लिश लॉजिस्टिक नाम है उसका, लॉजिशियन, लॉजिशियन, लॉजिस्टिक नहीं, लॉजिशियन। पहली बार उसने वेन डायग्राम का डिस्कशन किया था, और वो वेन डायग्राम ना डिस्कल में इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? आप पढ़ो या ना पढ़ो, मैं तो पढ़ाऊंगा ही। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि 12th पास हो, तो आपने बोला हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, तो ये क्या है? और फिर ये कितना होता है? मुझे लगा आप ऐसे करने वाले हो। ओके छोड़ो, फनी वाले बात बात करो। इसका नाम बताओ, मैट्रिक्स में भी है ये। अब याद करो, उधर वाले लोग तो रिप्लाई कर डाले होंगे अब तक है। आइडम पोटेंट करके है एक वर्ड, समझ में आ गया?
एकदम से रिप्लाई कर दिया था, अच्छी बात है, चल सकते हैं आगे। मैं ना वर्ड्स का बहुत ध्यान रखूंगा कि मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं क्लास में, और वो टेक्निकल वर्ड होना चाहिए। अगर मैं नॉर्मल इंग्लिश का वोकैब यूज करूंगा क्लासेस में तो समझ जाना सर उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। क्लियर हो गया? और मुझे ना कोई प्री रिक्विजिट, मतलब पहले से कोई नॉलेज नहीं चाहिए, बस ये मैं बेसिक्स मान के चलूंगा कि क्लास 10th तक का बेसिक मैथमेटिक्स आता है, और अगर कुछ नया चीज मैं पढ़ा रहा हूं तो एक्सेप्ट कर लोगे उसको। क्लास में ये वाला वर्ड चाहिए मुझे, मतलब वर्ड का मतलब है फॉलो। इसका उल्टा क्या होगा? बहुत लोग को मिला होगा। मैं अपोजिट वाले वर्ड की तरफ नहीं जा रहा हूं, वर्ड का मतलब बताओ। एक सर्टेन सेंस में हम एग्री होना चाहिए हमें, राइट? अगर मैं मैथमेटिकल प्रूफ दे दूंगा फिर एक्सेप्ट हो गया? जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये वाला वर्ड मुझे चाहिए। गूगल सर्च मत करना, ऑनलाइन वाले। अब बताओ इसका मतलब क्या है? सारीन, सीरीन है वो। इसका मिलता जुलता वर्ड लिख रहा हूं। अब वो चाहिए क्लास पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंटरेक्ट मत करो, मैं ये कह रहा हूं सर ये होता तो, वो होता तो, मैं भी कह देता, तू नहीं होता तो वो वाला पार्ट आप हटाओगे क्लास से। समझ में आ गया? आप नहीं कह दो, मैं बताऊंगा। अगर आपको लग रहा होगा सर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हाल ही में पूछा गया डाउट है, सर शिफ्ट रजिस्टर आपने पढ़ाया, एप्लीकेशन नहीं बताया, तो मैं बोला यार पढ़ाने तो दे, रुक तो जा थोड़ी देर। आप नहीं भी कहते तो भी मैं बताता, सही है ना? ठीक है, और कोई वर्ड याद आएगा जो मुझे क्लास में इंपॉर्टेंट लगता है? अब ये तो नहीं बोलूंगा मेरी शरण में आओ एसाइलम करके, वो नहीं। एक और वर्ड है, पढ़ के बताओ। पढ़ भी नहीं पा रहे हो क्या? इंग्लिश कमजोर है क्या? होना चाहिए कमजोर, मातृभूमि तो हिंदी है, वो भी कमजोर है। ये बताओ ये वाला वर्ड, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं डिस्टल। सर्च कर लो, सर्च कर रहे थे क्या? तत्परता है वो, तत्पर रहना मार्ग पे। और दूसरा लास्ट वाला वर्ड है, कंटिन्यूटी चाहिए मुझे। अगर आप क्लास में आ रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप हर दिन आ रहे हो। समझ में आ गया? विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट क्लास। हेडिंग क्या लिखा था? ये सब्जेक्ट का नाम है ना? ओके, ये जो सब्जेक्ट है ना वो ओवरऑल इस पे डिपेंडेंट है, एक वर्ड पे। किस पे डिपेंडेंट है? लिखो इसको। कितने टाइप्स के लॉजिक होते हैं? टाइप्स ऑफ लॉजिक बताओ। ऑनलाइन वाले भी बताइए, जो पढ़े नहीं है वो बताना ना, नहीं तो फिर आप तो फिर रिप्लाई कर दोगे तो फिर सस्पेंस सस्पेंस कहां रहा? अगर आप पढ़ चुके हो तो मत रिप्लाई करो। लॉजिक लिखा, सर्टेनिटी लिखो आप, निश्चित वो है। समझ में आ गया? जितना सर्टेनिटी है उतना अच्छा लॉजिक है। एक स्टूडेंट ने क्या लिख दिया पता है? एंड और नॉट, नैंड नॉर। मैंने पूछा है लॉजिक बताओ, उसको लगा लॉजिक गेट बताओ। कोई बात नहीं, आपसे इंटरव्यू में ऐसे ही हुआ जाए, होगा यही होगा, कोई इशू नहीं है। आगे लिखो, टाइप्स ऑफ लॉजिक। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो आप, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। और अगर आपकी कॉपी का विड्थ प्रॉपर नहीं है, विड्थ ऑफ विड्थ सूटेबल नहीं है, तो एक एक करके लिखो। नेक्स्ट वन क्या है? नेगेटिव
लॉजिक सिस्टम, बाद में हम दोनों सिस्टम पे रिलेशन पढ़ लेंगे। आपकी कॉपी में डिफरेंस बिटवीन जैसा लिख सकते हो तो लिखो, और अगर आपकी कॉपी का विड्थ सफिशिएंट नहीं है तो सेपरेटली लिखो आप। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। और राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है? नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। ये हो गया इतना। इधर आप स्टेटमेंट लिखो, इन केस ऑफ पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम, इन केस ऑफ पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम रिलेटिवली हायर वोल्टेज, इन केस ऑफ पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम रिलेटिवली हायर वोल्टेज इज कंसिडर्ड एज हाई लॉजिक, इन केस ऑफ पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम रिलेटिवली हायर वोल्टेज इज कंसिडर्ड एज लॉजिक वन। लिख लिया क्या इतना? इन केस ऑफ पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम रिलेटिवली हायर वोल्टेज इज कंसिडर्ड एज हाई लॉजिक। रिलेटिवली हायर वोल्टेज इज कंसिडर्ड एज हाई लॉजिक। साथ साथ बनाइए इसको। लॉजिक वैल्यू असाइन करना है इसको। यहां पे ना बेटा एक्स एक्सिस में कुछ भी नहीं है, यहां पे कुछ मेंशन मत करना आप, ये वन डायमेंशन ग्राफ है। मैं यहां पे लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं होएगा, ये है वन डायमेंशन ग्राफ। हो गया इतना। वन डायमेंशन ग्राफ है ये। स्टेटमेंट एक बार पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? इन केस ऑफ पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम रिलेटिवली हायर वोल्टेज इज कंसिडर्ड एज हाई लॉजिक। ये दोनों में हायर वोल्टेज कौन सा है ये तो पता है ना? इन केस ऑफ अ पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम रिलेटिवली हायर वोल्टेज कौन सा है, रिलेटिवली लोअर वोल्टेज कौन सा है? लॉजिक वन किसको असाइन करोगे? इसका नोट लिखा दिया मैंने, बताओ। 8 वोल्ट को क्या कहोगे आप? हाई लॉजिक। और हाई लॉजिक को आप वन असाइन करोगे। लोअर वोल्टेज बताओ, -2 लो वोल्टेज होगा। और लो वोल्टेज का मतलब क्या होगा? लो लॉजिक। लॉजिक क्या असाइन करोगे? 0। वेट कीजिएगा ना,
सेकंड डेफिनेशन लिखो, नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, इन केस ऑफ नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, इन केस ऑफ नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, रिलेटिवली लोअर वोल्टेज। इन केस ऑफ नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, रिलेटिवली लोअर वोल्टेज इज कंसिडर्ड एज, रिलेटिवली लोअर वोल्टेज इज कंसिडर्ड एज लो लॉजिक। रिलेटिवली लोअर वोल्टेज इज कंसिडर्ड एज, रिलेटिवली लोअर वोल्टेज इज कंसिडर्ड एज, क्या लिखा आपने, स्टेटमेंट कंप्लीट लिख लिया, इज हाई लॉजिक। ठीक है, ये ग्राफ बनाओ। ये ग्राफ टू डायमेंशन नहीं है, ग्राफ कितने डायमेंशन का है? तो आप सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में कुछ पैरामीटर मेंशन किया है, एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट है। बात क्लियर हुई? तो चाहो तो अपने लिए इट्स अ वन डायमेंशन ग्राफ लिख लीजिएगा। आपको याद है, अगर हम अपना 12th स्टैंडर्ड याद करें तो एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ा होगा आपने, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, वो तो पढ़ा है ना। वो पहला वन डायमेंशन ग्राफ था जो टीचर ने आपको नहीं बताया था ठीक से, याद दिलाऊं, रफली बना रहा हूं। देखो एक बार, हालांकि ये कंप्लीट नहीं है। नीचे क्या था, ऊपर क्या था? अरे ऊपर कंडक्शन बैंड था, नीचे क्या था? तो ये एनर्जी लेवल था, याद आ रहा होगा आपको। यहां क्या था, किसी को याद नहीं है, याद आया? वो पहला वन डायमेंशन ग्राफ था। तो ऐसा नहीं कि हम आज पहली बार कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी 12th क्लास में जो एनर्जी मैं डायग्राम है वो ऑलरेडी वन डायमेंशन ग्राफ पढ़ चुके हो आप। लिखो उसको, कितने वोल्टेज असाइन किया इसमें, ये बताओ, ये लोअर वोल्टेज है हायर वोल्टेज है? कलर चेंज नहीं हो रहा है ये? आपका ग्राफ, आपकी कॉपी में क्या नोट लिखा हुआ है, रिलेटिवली लोअर वोल्टेज इज कंसिडर्ड एज हाई लॉजिक, ये क्या होगा फिर? लो लॉजिक। आगे लिखो, असाइन लॉजिक लेवल टू द गिवन वोल्टेज, असाइन लॉजिक लेवल टू द गिवन वोल्टेज, असाइन लॉजिक लेवल टू द गिवन वोल्टेज। असाइन लॉजिक लेवल टू द गिवन वोल्टेज, मतलब आई मीन टू से लाइक कि असाइन नेगेटिव लॉजिक है यार। 4 वोल्ट बड़ा है या -10 वोल्ट, तो बड़ा वोल्टेज क्या हो जाएगा, लॉजिक जीरो। ये कौन सा लॉजिक होगा, लॉजिक वन। स्टेटमेंट पढ़ो अपने नेगेटिव लॉजिक का, क्या लिखा हुआ है फिर से, और फिर ये पॉइंट बताओ। इन नेगेटिव लॉजिक सिस्टम रिलेटिवली लोअर वोल्टेज इज असाइंड एज लॉजिक वन। वो दोनों वोल्टेजेस में लोअर वोल्टेज क्या है बताओ जल्दी, -10, उसको क्या असाइन किया, लॉजिक वन।
स्टार्ट करें आगे। लेफ्ट हैंड साइड में इसका पॉजिटिव लॉजिक लिखो और राइट हैंड साइड पे इसका नेगेटिव लॉजिक लिखो। दो वोल्टेज लेवल मैंने मेंशन किया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड पे क्या है, नेगेटिव लॉजिक। लेफ्ट हैंड साइड में इन दो वोल्टेजेस का आप पॉजिटिव लॉजिक लिखो और राइट हैंड साइड पे इन दोनों वोल्टेजेस का क्या लिखोगे, नेगेटिव लॉजिक। फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव लॉजिक का एक बार डेफिनेशन पढ़ो। इन केस ऑफ अ पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम रिलेटिवली हायर वोल्टेज इज कंसिडर्ड एज हाई लॉजिक, मतलब वन। इतना सही है? ये क्या होगा, लो? क्या होगा? नेगेटिव लॉजिक का डेफिनेशन पढ़ना। इन केस ऑफ नेगेटिव लॉजिक सिस्टम रिलेटिवली लोअर वोल्टेज इज असाइंड एज लॉजिक हाई, और लॉजिक हाई का मतलब क्या, वन। उल्टा करो, लॉजिक लो और वैल्यू कितना आएगा? सही है ना? चेक करो अभी बोर्ड पे, जो वन था वो क्या बन रहा है। इधर देखो, जो पॉजिटिव लॉजिक का वन है दिख रहा है क्या, एनसर्कल कर रहा हूं मैं, जो पॉजिटिव लॉजिक का वन है वो नेगेटिव लॉजिक का क्या है। वेरी गुड। सो नाउ वन इन द पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम इज नाउ गोइंग टू कन्वर्ट एज, आगे देखो, जो पॉजिटिव लॉजिक का जीरो है वो नेगेटिव लॉजिक का क्या है। तो बेटर ये है हम ऐसे करते हैं, वन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, जीरो किस में कन्वर्ट हो रहा है। आपको याद होगा केमिस्ट्री में हम रिवर्सिबल प्रोसेस को दिखाने के लिए इन दो एरो का यूज करते थे, हाफ हाफ एरो ये। हो गया इतना, लिख लीजिए इसको। लिख लो एक नोट आप इसके नीचे। हाँ इन ऑर्डर टू कन्वर्ट पॉजिटिव लॉजिक सर्किट और सिस्टम, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट पॉजिटिव लॉजिक सर्किट ऑब्लिक सिस्टम टू नेगेटिव लॉजिक, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम ऑब्लिक सर्किट टू नेगेटिव लॉजिक, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम और सर्किट टू अ नेगेटिव लॉजिक। वी कन्वर्ट वन टू जीरो एंड जीरो टू वन। वी कन्वर्ट वन टू जीरो एंड जीरो टू वन। मैं एग्जाम्पल से समझाऊं आपको, जल्दी बताओ। किसी को और गेट का ट्रूथ टेबल याद है?
हालांकि हम लोगों ने और गेट पढ़ा नहीं है, बट मुझे लगता है कि क्लास 12th में सबने पढ़ लिया होगा और गेट, कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया था। अरे यार जल्दी बताओ ना, अभी हटा दिया गया ना हाल ही में, कि अभी भी है? सिलेबस तो डे बाय डे रिड्यूस हो रहा है। और गेट याद है आपको? एफ आउटपुट ले लेते हैं हम, 0 0 0 1 1 0 1 1। और गेट का ट्रुथ टेबल बताओ, कितना सही है? ये बताओ, ये पॉजिटिव लॉजिक है या नेगेटिव लॉजिक है? ठीक है, मैं डायरेक्टली और गेट को और गेट कैसे कह दूं? अब आप ये बताओ, ये और गेट पॉजिटिव लॉजिक है या नेगेटिव लॉजिक है? कुछ बताए आपको? जब कुछ भी ना बताए किसी गिवन ट्रूथ टेबल के बारे में, तो क्या लोगे आप उसको हमेशा? पॉजिटिव लॉजिक। इसके बारे में कुछ बताया है क्या? कुछ लिखा है यहां पे? बस कह रहा है कि ये और गेट है। अगर कुछ बताया नहीं है तो फिर ये क्या लेंगे हम? पॉजिटिव लॉजिक। कौन सा लॉजिक गेट है ये? इतना सही है? जल्दी बताओ। आगे देखो, इसका क्या ले रहे हैं हम? बोर्ड पे देखिए, लिखने वाला काम बाद में भी हो जाएगा। इसका क्या ले रहे हैं हम? नेगेटिव लॉजिक। ए वैसे ही है क्योंकि ए भी इनपुट है, एफ है ये। पॉइंट क्या बताया था? कॉपी में लिखा हुआ है आपके, और यहां पे भी दिखा देता हूं। अगर पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट करना होगा, या नेगेटिव लॉजिक को पॉजिटिव लॉजिक में कन्वर्ट करना होगा, 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वाइस वर्सा, 1 2 0 एंड 0 2। देखो इधर क्या है ये, तो क्या हो जाएगा? और ये 0 0 0 1 0, आगे 0 0 0। ये जाना पहचाना ट्रुथ टेबल है। तो एंड गेट और गेट में रिलेशन है, ये अलग बात है कि टीचरों ने आपको नहीं बताया था। समझ में आ गया? स्टार्ट राइटिंग। जब भी हमें पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट करना होगा, या नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा, करोगे क्या आप? 1 को 0 में और 0 को 1 में। कितना हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्म बताओ? और गेट का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है? ए प्लस बी। ए प्लस बी ना एक्चुअली डिजिटल का लैंग्वेज नहीं है। डिजिटल का लैंग्वेज क्या है? एंड गेट का मैथमेटिकल फॉर्म बताओ? ए डॉट बी। डॉट बार 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 मेंशन नहीं करना पड़ता आपको, आप चाहो तो ए डॉट बी को सिर्फ ए बी लिख दो। सही है इतना?
लेकिन जब अगर हम डिस्टिल के लैंग्वेज की बात करेंगे तो डॉट का मतलब क्या है यहां पे? जब लॉजिक गेट पढ़ेंगे तो सब देख लेंगे हम, यूनिक आइडेंटिटी क्या होती है हर एक रेस्पेक्टेड लॉजिक रेस्पेक्टिव लॉजिक गेट की, तो देख लेंगे हम उसको। हो गया इतना? चल सकते हैं आगे। यहां पे स्पेस बचा है आपके पास इस जगह पे। वन को जीरो में कन्वर्ट करना और जीरो को वन में कन्वर्ट करना, इसका कुछ नाम है बताओ? कॉम्प्लीमेंट नहीं। वन को जीरो में कन्वर्ट करना और जीरो को वन में कन्वर्ट करना, इसका कुछ एक नाम है। ठीक है, गुड। ड्यूअलिटी बट नॉट कॉम्प्लीमेंट, ये लिख लो आप। कॉम्प्लीमेंट लेना क्या होता है, मैं अभी समझा दूं? समझा देता हूं मैं आपको, बस मेरे को थोड़ा सा आइडिया चाहिए और गेट एंड गेट का, उसी को एग्जांपल लूंगा मैं। सेपरेटली जब हम लॉजिक गेट पढ़ेंगे तो हर लॉजिक गेट को इंडिपेंडेंटली टाइम देंगे हम। बात क्लियर हुआ? क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? ड्यूएलिटी। इधर देखो कंडीशन क्या है ड्यूएलिटी का, इसको लिखना नहीं है प्लीज, जब बस बोर्ड पे देख लो आप। कंडीशन फॉर ड्यूएलिटी, कंडीशन फॉर ड्यूएलिटी, और फिर सेल्फ ड्यूएल फंक्शन। और उसके पहले ड्यूअल फंक्शन, ये आपका फ्यूचर का सिलेबस है। आगे समझ में आ गया? क्या क्या पढ़ना है आगे? लिखना नहीं है आपको क्योंकि मैं तो पढ़ाऊंगा ही। आने वाले वक्त में क्या पढ़ना है हमको? कंडीशन फॉर ड्यूअलिटी, सेल्फ ड्यूअल फंक्शन, ड्यूअल फंक्शन। तो ऑब्वियसली इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे, न्यूट्रल फंक्शन भी आएगा, न्यूट्रल फंक्शन। लिखना नहीं है आपकी कॉपी में, बाई डिफॉल्ट आएगा ही है। हो गया? इसका नाम क्या है? ड्यूअलिटी में करते क्या हो? वन को जीरो को और जीरो को, ये वही है। साथ साथ क्या लिखा हुआ है पढ़ना एक बार, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो यार वन को जीरो कन्वर्ट करना और जीरो को वन में कन्वर्ट करना, ये तो कॉम्प्लीमेंट होता है ना? ठीक है, इसको समझा देता हूं मैं। इसको वापस बनाना, कहाँ गया? नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा? हाँ, और गेट का ट्रूथ टेबल एक बार फिर से बनाइए, और गेट का ट्रूथ टेबल एक बार फिर से बनाइए। वैसे भी हमें सेपरेटली लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं, वैसे भी हमें सेपरेटली लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं, बट मैं सोच रहा हूं कि लॉजिक गेट का पहले तो पढ़ा हुआ है तो थोड़ा आइडिया ले लो, सही रहेगा। एफ का क्या मतलब है यहां पे? एफ का क्या मतलब है जल्दी बताइए। ये बता दूंगा, व्हाट इज डू यू मीन बाय बुलियन फंक्शन। अभी तो सिर्फ आप याद रखो, एफ का मतलब एक नॉर्मल फंक्शन है। ए बी का पॉसिबिलिटी क्या होता है? ये समझ में आ गया? इधर देखो, इसको भी समझाता हूं मैं। एक सिंगल कॉइन लो आप, अनबायस्ड, ऑब्वियसली बायस्ड कॉइन नहीं, अनबायस्ड कॉइन। उसका आउटकम क्या क्या होगा? हेड और दूसरा टेल। ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, 1/2 गलत है, बता देता हूं। हाँ तो 1/2 गलत है, तो 0.5 सही है। गजब हो गया, ये मैथ्स थोड़ी सिखा रहा हूं यार।
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑफ अ सिंगल कॉइन दैट टू अनबायस्ड क्या होगा? ये एक्चुअली ये मैथ्स का क्वेश्चन है, बट यहां पे अराइज हो गया था फॉर नॉट इक्वल 2.5 है। जब मैं आईआईटी में गया था ना, तो रैंडम करके, रैंडम सिग्नल करके एक सब्जेक्ट था, रैंडम सिग्नल प्रोसेसिंग करके। तो एक सर पढ़ाया करते थे, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बताओ। तो हम लोगों ने बोला कि सर 0.5। तो उन्होंने बोला नहीं, तो हम लोगों ने, सर आप बता दीजिए कॉइन कैसे करके, फिर बायस्ड अनबायस्ड और क्या होता है, फेयर कॉइन जो लिखा रहता है, फेयर अनबायस्ड कॉइन, सारे वर्ड ऐड कर दिया उन्होंने, बोला फिर भी 0.5 नहीं होगा। उन्होंने क्या वर्ड यूज किया था पता है? बोला गलत है, सोचते रहना आप, किसी को समझ में नहीं आया एंड तक। 10th क्लास की बुक में लिखा हुआ है, और हम लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट मानते थे कि सब आता है अपने को। 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। मैंने कब मेंशन किया था थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी? जब तक सामने वाला थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ना कहे, तब तक आप 0.5 नहीं कह सकते। पता है उन्होंने एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कहा है? एम्पिरिकल या एक्सपेरिमेंटल? और ये जो आप लोग 0.5 0.5 कह रहे हो ना, इसको देखना आप कितना कह रहे हो, इसको जल्दी बताओ आप कितना कहते हो। सही है, लेकिन तब जब हमें पता हो कि हम क्लासिकल बात कर रहे हैं, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। लिखना नहीं है कॉपी में, सिर्फ समझा रहा हूं मैं। वो ना पता है मुझे तब समझ में आया जब वो 10th क्लास वाले को पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो फिर एक एक लाइन पढ़ना पड़ता है बुक होने के, अब बुक होगा या टीचर होगे तो आप एक एक लाइन पढ़ोगे। तो फिर ना तब सर की बात याद आई, और हम लोग को अब लगता है मुझे, अब तो हम दोस्त लोग मिलते नहीं, अब तो सब लोग अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं। तो ना अब याद आया कि ना सर ने वो क्वेश्चन क्यों पूछा था। तब मुझे ये समझ में आ गया था कि किसी भी टॉपिक का हमारा जो नॉलेज है वो फाइनाइट है, सिर्फ वो एक्सप्लोर होगा विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आज से 4 साल पहले मैं भी कहता था कि हाँ हेड आया तो 0.5 लिखो खत्म करो। जब तक थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या एक्सियोमेटिक थ्योरी ना कहा जाए, तब तक आप 0.5 नहीं कह सकते। समझ में आया? और सबसे फाइनेस्ट स्टेटिस्टिशियन का नाम 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 भूल जा रहा हूं मैं, उन्होंने ना 24,000 बार कॉइन को टॉस किया था। ये मेरा वर्ड नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो 12,012 बार हेड आया था। तब उन्होंने कहा था कि अगर ये नंबर ऑफ ट्रायल्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी जाएगा, तो लिमिट के हिसाब से वो 0.5 में जाके कन्वर्ज होगा। तो इसका आंसर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0.5 आएगा। अगर मेरी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा है, तो 10th क्लास की एनसीईआरटी खोल लो, और हर बुक फिर वही एक्सियोमेटिक थ्योरी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंट कर करके हम लोगों ने अनुमान लगाया, और एक्सियोमेटिक का मतलब मैथमेटिकल पार्ट, मॉडल कर दिया उसको। सही है ना? तो छोड़ो, उसके बारे में तो नहीं बात कर रहा था मैं। आप ये बताओ, हेड स्लो क्यों हो गया यार? नंबर ऑफ स्लाइड बढ़ने से स्लो हो जा रहा है क्या? ठीक है, हेड बताओ कितना आएगा लॉजिकली, टेल बताओ लॉजिकली कितना आएगा, जल्दी बताओ। टू कॉइन के बारे में बात करो आप, टू कॉइन का आउटकम क्या आएगा या सैंपल स्पेस क्या आएगा? टू कॉइन्स का आउटकम क्या आएगा या सैंपल स्पेस क्या आएगा? हेड हेड हेड, टेल टेल, हेड लास्ट वन, टेल टेल। हेड को 1 असाइन किया था ना, एक काम करते हैं टेल को 0 असाइन कर लेते, ताकि ये सीक्वेंस बड़ा प्रॉपरली मेंटेन हो जाए। ठीक है, एक कंप्यूटर साइंस वाले हैं। क्या नाटक है यार। अच्छा, थोड़ी देर काम करता है, सॉफ्टवेयर भी ऐसे बनाते हैं ना हम लोग, चैट जीपीटी वाले। देखो इधर पे, यहां पे क्या लिखा था, हेड। अब हेड को कोई एक वैल्यू असाइन कर लो ताकि वो सीक्वेंस पे आ जाए प्रॉपरली, और दूसरा टेल ले लेते हैं। हेड को लॉजिकली क्या असाइन करें?
और टेल को वन, कर सकते हैं हम बिल्कुल। सीक्वेंस लिखकर बताओ अभी। 0001, देख लो टेल तो वन था, 10, और ये क्या आएगा, थ्री क्वाइंस का भी लिख लेते हैं। आपको सेपरेटली टाइम दिया जाएगा लिखने के लिए, तीन क्वाइंस के क्या क्या आउटकम होंगे सोचना पड़ रहा है क्या। हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, फिर हाँ ठीक है, हेड टेल, फिर टेल, फिर टेल हेड टेल टेल टेल, लास्ट वन। अब देखो बोर्ड पे, इतना कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। अगर इमेजिन करो मैं 6 कॉइन कह देता तो सोचना पड़ता, नहीं सोचना पड़ेगा। 3 कॉइन में आउटकम बताओ, तो यहां पे भी लिख देता हूं, एन नंबर ऑफ कॉइन्स है, आउटकम कितना आएगा। तो 3 कॉइन है तो आउटकम कितना आएगा, छोड़ो यार। इस 8 का आधा करना, 4 टाइम्स क्या लिख रहा हूं मैं, और 4 टाइम्स उस 4 का भी आधा करना। यार सही है, कलर चेंज ही नहीं हो रहा, कहां से, इससे ये बात कर रहे हो। नहीं, ओवरऑल टच सेंसिटिव है बेटा, कल मैं जाके छोड़ो, देखते हैं कलर जब चेंज करना बात करेंगे। 4 का हाफ करो, 2 टाइम 0, आगे क्या, फिर अगेन 2 टाइम 0, 2 टाइम्स 1, उसका भी हाफ करो, उसका भी हाफ मतलब अल्टरनेट 0। आप समझ में आ गया, पहले ये लिख लो आप कि हम लोग बाइनरी वैल्यूज लिख कैसे रहे हैं, 1 बिट के लिए, 2 बिट के लिए, 3 बिट के लिए। टू बिट बाइनरी आउटकम लिख दे रहा हूं मैं इसको, डिजिटल में लिखना आ गया होगा अभी आपको।
लिखना हो गया। एन क्वाइंस में कितने आउटकम होंगे? टू टू द पावर ऑफ, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हम बाद में देखेंगे। क्या चल रहा था हमारा? चल क्या रहा था? ए बी एफ वैल्यूज क्या होगा आगे? ये सही है इतना। और गेट का ट्रूथ टेबल याद है? 0 1 1। लास्ट टाइम पे क्या लिया था चेक करना, ये तो मैं आपको दिखा देता हूं बोर्ड पे। क्या है ये बताओ? अगर इमेजिन करो ये नेगेटिव लॉजिक है तो ये लिखने का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली। और अगर ये नेगेटिव लॉजिक है तो ये लिखने का क्या मतलब हुआ? और अगर ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। और जब हम ड्यूअलिटी अप्लाई करते हैं, हम करते क्या है? जल्दी बताओ। जब भी हम ड्यूअलिटी अप्लाई करेंगे, वन किस में कन्वर्ट होगा, जीरो किस में कन्वर्ट होगा? इसके पीछे रीजन मत पूछना, कॉपी में रीजन मेंशन है, दिखाएं। इसको देखो, दो वोल्टेज है कोई भी। सर आपने ये वोल्टेजेस रेंडमली लिया है क्या? अरे भाई जो लेना ले लो, एक 10 वोल्ट ले लो, एक -2 वोल्ट ले लो, एक -2 वोल्ट ले लो, एक -10 वोल्ट ले लो, दोनों नेगेटिव लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया? अगर यहां पे मैं -2 लेता हूं और -10 लेता हूं, तो ये दोनों में रिलेटिवली बड़ा वोल्टेज क्या है? क्या असाइन किया उसको? तो ये -2 है तो लॉजिक 1। ये क्या असाइन किया था? -10। तो छोटा वोल्टेज क्या है, वो क्या असाइन करोगे? कुछ बदला? कुछ भी नहीं बदला। जो पॉजिटिव लॉजिक का 1 है वो नेगेटिव लॉजिक का क्या बन रहा है, और जो नेगेटिव लॉजिक का 1 है वो क्या बन रहा है? तो सही है रिलेशन, 1 गेट्स कन्वर्ट टू 0 एंड 0 गेटिंग कन्वर्टेड टू। बट व्हेन वी आर अप्लाइंग व्हाट? ड्यूअलिटी। अभी क्या अप्लाई करेंगे? क्या अप्लाई कर रहे हैं हम बताओ? कॉम्प्लीमेंट देख लो। इवन नीरज को भी डाउट था, नीरज मतलब मेरा भाई, सर का स्टूडेंट है, मैं भी सर का स्टूडेंट हूं, वो प्योर सीएस का है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हूं, उसको भी डाउट है। और उसको तब डाउट है जो ऑलरेडी वो 212 कुछ रैंक है उसका, बाहर लगा हुआ है, एग्जैक्ट रैंक याद नहीं है, पुरानी बात है, सगा भाई है वो। उसको बोला था भाई तू इतना दिन से डिसिप्लिन पढ़ा रहे, ड्यूएलिटी और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस बता दे, कई बार मुझे भी डाउट होता है। चेक करें अभी, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो रहा है? ए वैसे ही है, बी वैसे ही है, एफ 0 0 0 1 1 0। मेरे को लगा एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूं मैं, वो ज्यादा सही रहेगा। क्या शेयर भी करना पड़ेगा? रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्या? ऑफ करो, क्योंकि यार पता नहीं ऐसा लग रहा है मेरे को हैंग हो रहा है करके। लिख तो लिए थे, फिर और क्या जरूरत पड़ रहा था? मैं नहीं दूंगा भाई, आ रहे हो क्लास, आप लिखो आराम से, इतना क्या कंफर्ट जोन यार। मैं तो यहां तो इरेज करके जाऊंगा। ठीक से नहीं पढ़ने से यही होता है, नहीं है समझ में? ये तो फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट की गलती है, या तो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट की गलती है? नो। इधर देखो, अभी टॉपिक क्या चलता था हमारा? ए बी एफ, क्या क्या लिया था? 0 1। देखो ये लिखना आ गया ना, क्योंकि सारे वैरायटी के बच्चे होते हैं, कई बार हमको लगता है कि सर हमने बड़ा बेसिक से पढ़ा है, कुछ लोग सबकॉन्शियसली लिख लेते हैं, लिखना तो आता है मेरे को 0 0 0 0 0 1। अरे पॉइंट क्या, लिख क्या रहे हो पहले ये तो बताओ। लिखना लिखना सब कुछ थोड़ी ना होता है, समझना भी तो होता है।
आउटपुट बताओ। 0-0। ये और ये, इसमें एक कलर चेंज किया हूं मैं। आज की क्लासेस में होगा तो आज पॉसिबल है, ये तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे रीजन क्या है। अभी देखो आप, हम कर क्या रहे थे, कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे, ड्यूअलिटी तो हम ले चुके हैं, हम क्या कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे, सही है इतना। सो ए बी एफ, आप ना अपनी कॉपी में ड्यूअलिटी वाला ओपन करके रखो या नेगेटिव लॉजिक वाला ओपन करके रखो, और लिखने का सेपरेट टाइम दिया जाएगा, डोंट वरी, है ना। मुझे पता है मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट लोग जो आते हैं, जो ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं किसी ना किसी टीचर से, उनको लगता है पहली क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ाएगा, और एल्स पहली क्लास में व्हाट इज लॉजिक गेट पढ़ाएगा। लिखो ऐसे करके, इधर देखो वो ओपन किया ना ड्यूअलिटी वाला, ड्यूअलिटी में कर क्या रहते हैं चेक करो एक बार। वन को जीरो में कन्वर्ट कर दिया था, और जीरो को पूरा कंप्लीट ना, इसको देखो इसका आउटपुट क्या है, 0111। जीरो किसमें कन्वर्ट हुआ, बाकी ये कॉम्प्लीमेंट है, चेक कर लो। अब लाइफ में कभी डाउट नहीं होगा ड्यूअलिटी क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैं बता रहा हूं, ये डाउट टीचरों को भी है, समझ में आ गया। एक और चीज है, इमेजिन करो ये सर्किट है, ये पूरा, यहां पे बहुत सारे इनपुट है। इस बोर्ड से हम लेफ्ट हैंड साइड से क्या दे रहे हैं, इनपुट, सही है इतना, और इस बोर्ड के राइट हैंड साइड से क्या कर रहे हैं हम लोग, आउटपुट ले रहे हैं। यहां पे एक एक्स्ट्रा हार्डवेयर इन्वर्टर लगा दो, ये यही है, समझ में आया। आउटपुट में एक इन्वर्टर या नॉट गेट लगाने से सिर्फ आउटपुट बदलेगा, इनपुट नहीं बदलता। लिखो इसको, आउटपुट में एक इन्वर्टर लगाने से क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सही है इतना। हेडिंग लिखो आप, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट। ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है ना, ये जस्ट आपको ओवरव्यू दिया है, इसको हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेंगे। हेडिंग क्या लिखा, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट, फर्स्ट क्लासिफिकेशन बताओ, याद नहीं है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, बेसिक लॉजिक गेट। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। थर्ड क्लासिफिकेशन, स्पेशल लॉजिक गेट।
इस लॉजिक गेट का नाम बताओ। बोर्ड पे देखो, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, और ऐसा लास्ट क्लास तक चलता रहेगा। इसका नाम बताओ। स्कूल लाइफ में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था बताओ। नॉर नहीं, नॉट गेट। और कोई नाम है इसका? और कोई नाम है तो बताओ। सही है इतना? वो नाम बहुत कम यूज होता है सीएस डिपार्टमेंट में। हो गया इतना? जिस दिन जरूरत पड़ेगा फेज शिफ्टर का डिस्कशन कर लेंगे, जिस दिन नीड पड़ेगा। बेसिक लॉजिक गेट में जो पहला लॉजिक गेट है उसका नाम क्या है? जल्दी बताइए। नॉट गेट। इसका नाम आप ना, मेरे को लगता है गलत ही बताओगे। पहले सुन लेना ना स्टेटमेंट, मैं पहले से कह रहा हूं इसका नाम ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि आप गलत ही बताओगे। जब मैं कह रहा हूं तो गलत ही बताओगे, नहीं ना? कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करोगे ना, फर्स्ट टाइम पे इस लॉजिक गेट का नाम ये लिखा हुआ है। उसके बाद आप और चिल्लाते रहो। पहली बार सही नाम लिखना जरूरी है। क्या नाम है उसका? लॉजिकल और। चलते हैं आगे। सेम वे से आप इसका नाम बताओ। लॉजिकल, तो कुछ भी इनपुट ले लो फर्क नहीं पड़ता, वो बाद में हम ले लेंगे। ये तीन लॉजिक गेट किस कैटेगरी में आ रहे हैं? स्टार्ट राइटिंग। ये तीन लॉजिक गेट बेसिक लॉजिक गेट में है। ये मत कहना, क्योंकि कुछ लोग पढ़ चुके होते हैं अलग अलग टीचर से, तो हमें बफर भी पढ़ना है। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, नॉट गेट, इन्वर्टर और फेज शिफ्टर। लॉजिकल एडर, वन बिट मल्टीप्लायर, ये सारे नाम मैं बाद में लिखा दूंगा। अभी प्रेजेंटली नाम क्या है? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, नॉट गेट कह लो या इन्वर्टर कह लो। अगर किसी को लग रहा है सर आपने बफर नहीं लिखा, पढ़ाऊंगा मैं। लिखना हो गया। बेसिक लॉजिक गेट के अंदर कितने लॉजिक गेट हैं? बफर भी हमें पढ़ना है, लेकिन मैं बाद में पढ़ाऊंगा इसको। यूनिवर्सल लॉजिक गेट में कितने लॉजिक गेट पढ़ेंगे हम? सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या था बताइए जल्दी। यूनिवर्सल लॉजिक गेट। इस यूनिवर्सल लॉजिक गेट में दो लॉजिक गेट पढ़ेंगे आप। पहले वाले का नाम बताओ। इसका नाम बताओ। ऑब्लिक लिखा हुआ है यार, नॉट एंड नहीं। एंड इन्वर्टर नहीं। लिखित बातों को कहेंगे ना हम, कहीं लिखा नहीं है तो मैं कैसे कह दूं? जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो कहीं ना कहीं लिखा है, ये जस्टिफाइड है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, या तो फिर मैंने क्लासेस में यूज किया, या किसी ने किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो सही है। नाम क्या है नैंड गेट का? एंड इन्वर्ट। क्या कहते हैं उसको, बीच में जो ऐसा जो मैं लिखता हूं ऐसा? स्पेलिंग HY? नहीं, चेक करना एक बार, शायद सही कह रहे हो आप। HY यही है क्या?
अरे इंग्लिश में एक वर्ड होता है ना, एक सिंबॉल का क्या नाम होगा, HYPGN, ये सही है इतना? नहीं, स्पेलिंग स्पेलिंग, हाइफन बोलते हैं हम लोग, प्रोनंसिएशन क्या बाहर में इंडिया का है, हम यूज करेंगे जो भी हमको मर्जी होगी। लाइक अभिषेक उपमन्यु का स्टैंड अप कॉमेडी तो देखा होगा, डॉग को कैट कह लो या कैट को डॉग, फर्क नहीं पड़ता, है ना? समझ में आना चाहिए। ये बताओ, स्पेलिंग छोड़ो, हाइफन याद है आपको? नहीं क्या? बताओ ना यार। ठीक है, आप ये पूछ सकते हो कि सर आपने क्यों पूछा, राइट? इसको देखना एक बार, एस मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिक सीरीज, एरिथमेटिक सीरीज, ऐसे लिखते हैं ना, 1 + 2 + 3 + 4। उसके बाद टीचर कहती थी 3 डॉट है, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। आप बताओ इसका क्या मतलब है 3 डॉट का? सीरीज कहां जा रही है? चलो ठीक है, तो सही है। इसका सिंबल का नाम बताओ। हाइफन तो बड़े मजे से कह रहे थे सर, स्पेलिंग मेरर है इसमें है उसमें, तो मेरे को भी बड़ा मजा आ रहा था। इसका नाम 3 डॉट लिखोगे यहां पे? एलिप्सिस लिखो इसको एक बार, दिस इज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, दैट्स इट। पता होना चाहिए हमको, मेरे को भी नहीं पता था 2 साल पहले। सिर्फ सेक ऑफ नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं इसको, ये मत सोचना इट्स अ पार्ट ऑफ डिस्टिल करके। सो वन स्टूडेंट इन ऑनलाइन हैज रिप्लाइड करेक्टली, ये हो गया इतना? क्या हुआ? अरे नहीं, मतलब सब कुछ पता होगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे कन्वीनियंस के लिए बता दिया। ये ऐप वाला इरेज कैसे होगा? सेलेक्ट करके? हाँ अब याद आ गया, कल तो यूज कर रहा था मैं। नाम क्या है? सिंबल बना लो आप, लॉजिक गेट सिर्फ बता रहा हूं मैं, स्टार्ट नहीं किया अभी समझाना, सिर्फ सिंबल बना लो कि ये सिंबल है किसका। किसका सिंबल है ये? कितना इनपुट है? लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है? लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है? हम यहां से इनपुट दे रहे हैं, आपके सिलेबस में जो भी लॉजिक गेट है उसका आउटपुट कितना होगा? सिंगल आउटपुट होगा हमेशा। हो गया? दूसरा यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या है? तो इसका एक और नाम है, खुद बताइए। और इनवर्ट, एक बार हम सिंबल भी बना लेते हैं इसका। और इनवर्ट, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या कहलाता है? इनपुट। और राइट हैंड साइड वाला? सिंबॉल याद होना चाहिए स्टार्टिंग फेज में, बहुत लोग सिंबॉल से बड़े फ्रेंडली होंगे। इतना हो गया, ये जरूर थॉट आया होगा कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट और बेसिक लॉजिक गेट में अंतर क्या है करके, समझा दिया जाएगा आपको। चलिए आगे, लिख लिया? थर्ड क्लासिफिकेशन क्या था?
स्पेशल, लॉजिक, गेट। स्पेशल लॉजिक गेट में क्या क्या पढ़ेंगे हम? एक्सक्लूसिव और सेकंड नंबर पे एक्सक्लूसिव नॉर। जो मोस्ट फ्रीक्वेंट नेम हम यूज करेंगे कंप्रेस्ड डोमेन में वो ये है। नीचे वाला सिंबल करेक्ट है या ऊपर वाला? सोच लो अभी। मैंने मोस्ट ऑफ द टीचर को ये बनाते देखा है। इसका मतलब मैंने मोस्ट ऑफ द टीचर को ये बनाते देखा है। ये तो मैं ही बनाता हूं, बस मैं पूछ रहा हूं कौन सा सही है। नीचे वाला बुक में दिया है, जो मैं फॉलो कर रहा हूं उस बुक में नीचे वाला सिंबल दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऊपर वाला सिंबल बनाते हैं, बट आपकी मर्जी। नीचे वाला सिंबल ज्यादा करेक्ट है। अगर आप प्रेफर करोगे इस सिंबल को, ज्यादा प्रेफरेंसेस में रखेंगे आप। ऊपर वाला भी सही है, मैं ये कहला गलत है करके, लेकिन जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूं टॉकी को, उसमें ऊपर वाला सिंबल यूज ही नहीं किया है। दोनों सिंबल सही है मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूं उस पे नीचे वाला सिंबल दिया हुआ है। हो गया इतना? एक्स एन ओ आर का सिंबल बना लेते हैं हम। सिंबल नहीं है इसका नाम। हर टीचर ये भी गलत पढ़ा रहा है। नाम बताओ फिर क्या है। देखो हर टीचर कहता है ना ये सिंबल है, ये सिंबल है। नहीं, सिंबल नहीं है। सिंबल आर ऑफ टू टाइप्स इन डिजिटल। एक तो होता है IEEE स्टैंडर्ड का सिंबल, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और आप जब भी सिंबल 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 मैं कह रहा हूं ना, एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं कन्वेंशनल सिंबॉल, ये उसका पूरा नाम है। सिर्फ सिंबॉल कह रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई सर ने ऑलरेडी पहले कन्वेंशनल वाला वर्ड यूज कर लिया है। एक बार समझ में आ जाए कि जो पूरा सिंबॉल हम यूज करने वाले हैं पूरे सिलेबस में वो कौन सा सिंबॉल है। अब आप सिंबॉल कहते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? बोर्ड पे देखो एक बार, दिस इज जस्ट अ फनी थिंग। क्या यार, कलर कभी चेंज होता है कभी नहीं होता। सिंबल लिखा कैसा देखना एक बार, मे भी शायद किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया होगा। SYMB। ओ अच्छा, ओ है, वो ओ है ना। डिसल पढ़ रहे भाई, अब ओ और जीरो में अंतर में दिक्कत जाएगा। लास्ट वाला एल है, लेकिन एल नहीं बनाया मैंने, वन। वो मेरा तरीका है अपने सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का, और उसको मैं थोड़ा और चेंज कर लेता हूं।
क्योंकि हर टीचर पढ़ाते पढ़ाते लिटिल बिट ऑफ क्रिएटिविटी आ ही जाता है, और क्रिएटिविटी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सृजनशीलता। लिख लो इसको, पूरे डिस्कशन में आप सिर्फ और सिर्फ 01 का जिक्र करोगे, डिस्कशन करोगे। तो सिंबल अब ऐसे लिखना आप, एक बार लिख लो बस यार, उसके बाद क्या है, पूरे डिस्कशन में आपका डिस्कशन क्या होगा? 0 होगा और 1 होगा। हो गया इतना? अच्छा हाँ, सर का मैसेज आया है, कल की क्लास मॉर्निंग 9:30 रख सकते हैं हम? 2.5 घंटे पढ़ाऊंगा बस कल। आपकी किसी भी दिन की क्लास 3.5 घंटे या 4 घंटे से ऊपर नहीं होगी, बस सुन लो पहले, पहले दिन एक घबरा मत जाओ। एक बार टाइम का डिस्कशन कर लेते, पता चला मैं ही भूल गया। कल की टाइमिंग क्या कह रहा था मैं? पीएम और एएम। जिस दिन आपका कंप्लीट हॉलीडे कब होता है? अच्छा, कभी नहीं होता। अरे हॉलीडे वाले दिन आपकी क्लास, मैं बाकी क्लास फिर ट्राई करूंगा कि कैंसिल हो जाए आपकी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, और सच के सिवा कुछ नहीं कहा। जिस दिन आपकी, मतलब जिस दिन आपकी क्लासेस छुट्टी है उस दिन, जिस दिन इमेजिन करो एज इफ लाइक संडे, और क्या कहते फेस्टिवल आ रहा है इस महीने, कुछ तो आ रहा है मुझे पता है। क्या? गणेश चतुर्थी। तो जिस दिन वो होगा ना, उस दिन 3.5 आवर्स की क्लास होगी। हाँ छुट्टी कौन ही देंगे, वो मेरे काम, वो मेरा काम है यार। एक और चीज है, आपकी जो क्लास का एवरेज ड्यूरेशन होगा ना हर घंटे, वो जाके इतना होगा, एवरेज बात कर रहा हूं मैं, पहले सोच लो आप। व्हेन यू टॉक अबाउट एवरेज, दैट इज नथिंग बट मीन और द डीसी वैल्यू और द एवरेज वैल्यू। आप सही है इतना, वरना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे कुछ कुछ लोग, तो उनको ये थोड़ी ना बोल लो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन व्हेन टाउ अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ये भी कह सकता हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, वो छोड़ो वैसे नहीं। एवरेज का मतलब समझ रहे हो, मतलब कुछ क्लासेस 2 घंटे की होंगी तब जाके वो एवरेज बनेगी। तो मैं पहले ही कह दिया था कि हम स्लोली पढ़ेंगे सिलेबस को, दिक्कत है किसी को? पहले ना लास्ट टाइम आया था ना, तो क्या होगा था पता है, लास्ट टू लास्ट टाइम आई गेस, तो BIT शंकरा XYZ के कॉलेजेस में स्टूडेंट लोगों ने कह दिया था अब क्लासेस 4 घंटे की हर दिन चलेगी। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, स्टूडेंट को अनवांटेड प्रेशर भी नहीं दे रहा है। समझ में आया? एवरेज 2 आवर्स 45 मिनट्स का मतलब है कुछ दिन क्लासेस 2-2 घंटे की होगी, जिस दिन क्लासेस बहुत लंबी होगी, मतलब 2 आवर्स प्लस 1.5 आवर्स और फुल स्टॉप। तो मैं उस दिन ट्राई करूंगा कि आपकी और कोई क्लास ना हो फाइनली वालों को छोड़ के, क्योंकि उनको तो सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो कल की क्लास का टाइमिंग क्या है? नौ से 11:30, बस 2.5 घंटे की क्लास है। क्या चल रहा था? टॉपिक देखो कॉपी में, सारे लॉजिक गेट्स का सिंबल पढ़ लिया? जो भी सिंबल हम कह रहे हैं वो एक्चुअली सिंबल क्या है बताओ? कन्वेंशनल सिंबल। वो कुछ ना, कुछ स्टूडेंट लोग ना मेरे से ही पढ़ लेंगे, फिर दुनिया भर के सब जगह पे पढ़ाते रहते हैं। नहीं कोई बात नहीं, बाद में समझ में आएगा उसका मीनिंग क्या था। क्या सिंबल है ये? इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी होंगे, उन लोग बहुत 30 मार्क का बनते रहते हैं। है यहाँ पे कोई सिंबल? अब बताओ, तो बहुत रिप्लाई कर रहे थे ऑनलाइन वाले। हाँ अब बताओ, अब बोल, अब बोल। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो बहुत रिप्लाई कर रहे थे ना इन लोग। अब अगर अब इसमें कोई रिप्लाई किया ना, पक्का मेरा स्टूडेंट होगा। ठीक है, बस मैं ये कह रहा था कि कभी भी ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए मुझे। मेरे को नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है कितना आता है मुझे क्लास के बाहर। समझ में आ गया? ये TTL NAND गेट का सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट वालों को भी नहीं पता होगा इसका। यार ये क्या हो रहा है? फिर आया फिर चला जा रहा है।
हाँ एनॉयड है, तुझे किस पता नाराज है करके, तुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, कौन नाराज था तेरे से? हाँ मुझे भी लग रहा है, कंटिन्यू करें। फर्स्ट लिखो, पहले हेडिंग लिखो वापस, बेसिक लॉजिक गेट फिर से। बेसिक लॉजिक गेट हेडिंग लिखो। नॉट गेट को और क्या नाम बताया था मैंने? फेस शिफ्टर रहने दो अभी आप। नहीं, वैसा ट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कह रहा हूं यार, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू सर। सीएस डिपार्टमेंट वो नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट वो नाम इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज नॉट गेट कहो और क्या कहो? बफर? कब कहा बफर मैंने? अब कह रहा हूं, आगे आगे चल रहे हैं, साथ साथ चल रहा है यार, पीछे पीछे बोल रहा है। साथ साथ चलो आप। तीन नाम है इसके जो कि फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं हम। क्या नाम है पहला वाला, दूसरा, तीसरा? इनवर्टिंग बफर। जो हम जो सिंबॉल यूज कर रहे हैं वो क्या सिंबॉल है बताइए? हम जो सिंबॉल क्लास में यूज कर रहे हैं कन्वेंशनल सिंबॉल है वो, कन्वेंशनल। अब बार 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 आप कन्वेंशनल नहीं लिखेंगे, क्लियर हुआ? बार 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 कन्वेंशनल वाले वर्ड को नहीं यूज करोगे आप। पता नहीं वाला क्या हो रहा है यार करके, एज इफ लाइक गरीबी में आटा गीला, रीस्टार्ट करने के बाद भी नहीं हो ना। क्या करें? नहीं वो ठीक है बेटा, बट फिर भी आगे आगे भी तो सही होना चाहिए ना। अच्छा सही हो गया। सर की क्लास में नहीं हुआ ना ऐसे कभी? वो पहचानता है ओनर कौन है करके। एनीवेज एक बात देख लो आप, अगर आप बुक फॉलो करोगे ना तो कैपिटल अल्फाबेट मोस्ट ऑफ द टाइम पे यूज किया हुआ है, स्मॉल अल्फाबेट बहुत कम यूज किया हुआ है, फर्क नहीं पड़ता उसमें। अगर हम नेटवर्क थ्योरी या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते जो कि हमारा पार्ट नहीं है, तब स्मॉल अल्फाबेट और कैपिटल अल्फाबेट का सिग्निफिकेंस होता, सही है ना? अभी आप स्मॉल अल्फाबेट यूज करो या कैपिटल अल्फाबेट यूज करो, कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। अगर आप इसको कैपिटल ए लिख रहे हो, इसको कैपिटल एफ लिख रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब क्या है? मैंने आपको ये थोड़ी ना पढ़ाया कि बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, अब तक पढ़ाया नहीं? वो हम बाद में देख लेंगे, धीरे 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 सिलेबस में आगे बढ़ते जाएंगे, जो भी टर्म्स उस टाइम पे इंपॉर्टेंट होगा कवर अप कर लेंगे हम। ए आपका इनपुट है, एफ क्या है? एफ मेरा आउटपुट बुलियन फंक्शन है। एक सिंगल कॉइन को टॉस करो, आउटकम क्या क्या आएगा? जीरो आएगा, वन आएगा, आई मीन टू से लाइक हेड आएगा और टेल आएगा। तो जीरो आया और क्या आया? जीरो का कॉम्प्लीमेंट करना वन, वन का कॉम्प्लीमेंट करना, इसका ड्यूअल हम ले सकते हैं। समझ में आया? अभी नहीं कर रहा हूं मैं ड्यूअल, अभी तो इनपुट और आउटपुट के बीच में लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है एक बार बताइए, राइट हैंड साइड वाला क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रूथ टेबल? लिखना नहीं है, बाद में लिखा दूंगा मैं अपकमिंग क्लास में। पहली क्लास में मैं खुद अपनी कॉपी देखूंगा और किसी को लगेगा, मेरे को लगेगा टीचर ने ट्रूथ टेबल की डेफिनेशन लिखाई है, तो बड़ा ही बेकार लगेगा मुझे। तो फर्स्ट क्लास में वो सब डेफिनेशन लिखाना नहीं चाहता मैं, बड़ा ही बेवकूफों वाला चीज लगेगा। आप ये बताओ
इनपुट और आउटपुट के बीच में हम मैपिंग कर रहे हैं ना, 1 to 1 वाला मैपिंग नहीं करते थे आप लोग, बट दैट टू डिजिटल। तो 0 का आउटकम क्या आया और 1 का, बोर्ड पे देखो अभी एफ कितना आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इन दोनों का क्या मतलब है? सेम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, इसका नाम बताना। क्या नाम है इसका? नॉट ऑपरेटर को आप कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी कह सकते हो। हो गया इतना, लिखो नॉट ऑपरेटर को आप कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी कह सकते हो। नॉट ऑपरेटर को हम कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी कह सकते हैं। नॉट ऑपरेटर और क्या कह सकते हैं हम इसको? कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कितना हो गया? आगे लिखो वेन डायग्राम ऑफ और नॉट गेट। वेन डायग्राम, वेन VEN होगा, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, VEN, यही होता ना स्पेलिंग, क्योंकि कई बार हम सबकॉन्शियसली स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्या कह रहा था मैं? वेन इसके नाम पे बेस्ड है वो कंसेप्ट, इंग्लिश लॉजिशियन। इसका नाम क्या है? 11th क्लास सेट थ्योरी, याद करो नाम क्या है इसका, रेक्टेंगल बोल दो, है ना? हाँ गुड। क्या नाम है इसका? यूनिवर्सल, वो स्टेटमेंट है, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट वन वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट हमेशा स्क्वायर से नहीं, स्क्वायर मत बना देना गलती से, यूनिवर्सल सेट हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? रेक्टेंगल से, ठीक है। और कोई भी एक सेट होगा, जैसे हम मान लेते हैं सर्कल कहां गया, ये कोई सेट है, सही है इतना? तो हर सेट अपने यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, वो दिख रहा है। हमने इनपुट क्या लिया था? इनपुट, इनपुट इधर। तो आप कैपिटल ए से बनाना है तो कैपिटल ए बनाओ, क्योंकि सेट थ्योरी में हम कैपिटल ए लिखते हैं। और मैंने यहां पे ऑलरेडी आपको बता दिया था कि आपकी स्मॉल और कैपिटल लिखने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, समझ में आ गया? तो कैपिटल ए। कॉम्प्लीमेंट बताना क्या क्या होगा, इसको शेड कर लो आप यूजिंग पेंसिल और एनी पेन, ए को छोड़कर। तो दिस वेन डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग यू व्हाट? वेन डायग्राम ऑफ नॉट गेट। तो ठीक से शेड कर लीजिएगा आप।
ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सेट थ्योरी में ए को छोड़कर बाकी सब। इतना सही है यार। ये नॉट ऑपरेटर के बारे में पहली बार कब सुना था आपने? कलर सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। ये बताओ नॉट ऑपरेटर के बारे में सबसे पहले कब सुना था आपने? इसका मतलब बताओ, प्रोबेबिलिटी। अब बताओ, अब मतलब बताओ ना। पी मतलब प्रोबेबिलिटी है, अब आगे का मतलब बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ सम इवेंट ई, यही होता है। इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको क्या कहते थे? एग्जैक्टली। तो नॉट ऑपरेटर वाला जो शब्द है 10th क्लास से आ चुका है आपके लाइफ में, लिख लो उसको। हो गया इतना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस या ऑकरेंस ऑफ सम इवेंट ई इज सेम एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एग्जिस्टेंस और नॉट ऑकरेंस ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ई, यही था ना। आगे लिखो। कलर बदलता नहीं है क्या भाई? आगे लिखो एक्सियम्स। एक्सियम का मतलब क्या है? जिसको प्रूव करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े या सेल्फ एविडेंटली प्रूवन, उनको क्या कह रहे हैं हम? एक्सियम्स। ये इनपुट लो, बताओ कोई वैल्यू ले ले हम ए। अगर वो इस इन्वर्टर से पास हो रहा है, आउटपुट कितना आया? ए बार। यहां पे क्या आ रहा है? ए में ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट था ना, यहां पे एक और इन्वर्टर से पास कर रहे हो तो क्या ऐड हो जा रहा है इसमें? व्हाट अबाउट ए डबल बार? नाम क्या है इसका? अभी तो पढ़ाया था आपको, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। लिखो नाम क्या है इसका, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। अगर आप सिर्फ कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ भी कहोगे ना तो गलत नहीं है, दो बार कॉम्प्लीमेंट है इसलिए वो वर्ड यूज किया हुआ है। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ मतलब किसी इनपुट में या किसी फंक्शन में अगर दो बार कॉम्प्लीमेंट है तो क्या आएगा? ये सर्किट ना मैं यूज करूंगा इसलिए ध्यान रखेगा इसका इतना सेक्शन। ये सर्किट मैं यूज करूंगा इतना सेक्शन याद रखेगा। समझ में आ गया? चलें आगे। देखो एक बार, ये इन्वर्टर है, फिर आगे जाके एक और इन्वर्टर है,
मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आसान है, बस पॉइंट ये है कि हमने वैसा पढ़ा नहीं। इस सर्किट का नाम बताओ। नहीं बता पाओगे आप, ऑनलाइन वाले भी नहीं बता पाएंगे आप। तो ट्राई करना है तो कर लो। सर्किट का नाम बता सकता है कोई? एनीवन? फ्रीडम दे रहा हूं मैं किसी भी को। डिकोडर रही है, पता भी नहीं चल रहा है। देखें अभी, लेकिन जब डिकोडर पढ़ाऊंगा इसी सर्किट में वापस आऊंगा। समझ में आ गया? लेकिन सर सर्किट तो बड़ा आसान है। देखो क्या है इस इनपुट का नाम, यहां पे कितना आया ए बार, इधर कितना आया ए डबल बार है ना, वो तो बार बार लिखना की जरूरत है क्या? छोड़ दो अभी। ये कितना है? इसको देखो एक बार, वो सर्किट और ये सर्किट इक्वल है, देख लो ध्यान से एक बार। मे भी शायद आपने देखा नहीं होगा, वो जो सर्किट है ना उधर वाला और ये सर्किट इक्वल है। इधर इनपुट कितना था, इधर इनपुट कितना था, यहां पे क्या आ रहा है? देखो ये बिना बबल के जा रहा है आउटपुट। जब भी एक बबल होगा वो अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक और चीज है, बस ध्यान से देखेगा, अपकमिंग क्लास में पढ़ाऊंगा। ये कुछ दिख रहा है क्या? ये पहले देख लो आप, एक ट्रायंगल दिख रहा है, अभी के लिए इतना ही समझो, बफर है वो। समझ में आ गया? दिस सर्किट एंड दिस सर्किट बोथ आर इक्विवेलेंट सर्किट। स्टार्ट राइटिंग। दिस सर्किट एंड दैट सर्किट आर द इक्विवेलेंट सर्किट। बोथ सर्किट आर द इक्विवेलेंट सर्किट। और जो मैंने जो डिकोडर वाला वर्ड यूज किया था ना, उसको अभी आप भूल जाइए। जब डिकोडर हम पढ़ेंगे तो वापस इसी सर्किट को लेके आऊंगा और कहूंगा 1x2 डिकोडर। बट अभी आप याद रखो कि हाँ सर ये वाला सर्किट को फ्यूचर में यूज करेंगे। और ये सिंबल आपस में क्या है? दे आर द इक्विवेलेंट सिंबल। दे आर द इक्विवेलेंट सिंबल। ये वाला सिंबल एग्जाम में आपके यूज हो सकता है। देखो क्या मतलब है इसका, ये कॉम्प्लीमेंट है ना, उसके ऊपर एक और क्या है, क्या आएगा आंसर? लॉ का नाम बताओ। वैसे अपकमिंग क्लासेस में इनवोकिंग थ्योरम और एक और थ्योरम है, नाम क्या है उसका, बड़ा यूनिक है वो। अपकमिंग क्लासेस में वो थ्योरम का डिस्कशन करेंगे। एक तो इनवोकिंग है, एक मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या है, इनवॉल्यूशन। ठीक है, इनवॉल्यूशन और इनवोकिंग ये नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। एक हेडिंग लिख लो आप, और गेट। तब तक शायद बोर्ड भी सही हो जाएगा। इनवॉल्यूशन, इनवॉल्यूशन बेटा, बुक्स में कुछ जगह पे लॉ लिखा हुआ है और कुछ जगह पे थ्योरम लिखा हुआ है, क्योंकि बुक वाले को खुद ही नहीं पता कब लॉ यूज करना और कब थ्योरम यूज करना है। कुछ बुक्स में जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव का याद होगा वर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड याद है आपको? तो टॉकी में डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लिखा हुआ है और हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते रहते हैं। तो लॉ और थ्योरम में इतना रिक्वायरमेंट है कि लॉ को बार 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 प्रूव नहीं करना पड़ता, बट थ्योरम हम प्रूव करते थे। याद करो अपना ज्योमेट्री वाला पार्ट क्लास 10th का, जिसमें ट्रायंगल्स का डिस्कशन था, आपको याद है? हम लोग को एग्जाम में आता था ट्रिपल ए,
एंगल 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 साइड एंगल, ये सारी थ्योरम है ना SAS। इसको मेरा फ्रेंड बोलता था अप्लाइड फॉर स्पेशल एडवर्टीजमेंट। मैंने बोला अबे गधे, एंगल साइड एंगल है वो, और एक RHS है, राइट हैंड साइड नहीं कहना। ये सारे थ्योरम है, आप याद करो, थ्योरम को हम प्रूव करते हैं, लॉ को इन जनरल प्रूव नहीं करते। देखना ओम्स लॉ को कितने लोग प्रूव करते रहते हैं, ओम्स लॉ को प्रूव करते हो आप कि यूज करते हो। लॉ और थ्योरम में इतना अंतर है कि थ्योरम को प्रूव किया जाता है, जरूरत पड़ा तो प्रूव करना आना चाहिए, और लॉ को कब प्रूव करते हो भाई, इसको नहीं प्रूव करते हम। आज की क्लास में इतना ही रखें, हेडिंग क्या लिखा था बताओ क्लास ऑफ होने से पहले, बस कल कंटिन्यू करेंगे। कल की टाइमिंग क्या है? 9:30 ऑनलाइन वाले, ठीक है कल कंटिन्यू करते हैं 9:30 मॉर्निंग। इन्वोल्यूशन लॉ, इन्वोकिंग थ्योरम।